चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बागेश्वर से, और सुबह के 9 बजे हुए हैं। और अभी यहाँ पर बागेश्वर में बहुत गर्मी हो रही है, बारिश तो यहाँ बहुत दिनों से हुई नहीं है। कल थोड़े से छींटे पड़ रहे थे पर बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है यहाँ पर। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ देवाल के लिए अपने ससुराल। 2 दिन रुकी थी यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मंदिर जाने के लिए आए थे हम। अभी तैयार हो चुकी हूँ और आज जा रही हूँ देवाल के लिए। दिखाती हूँ मैं यहाँ पर का मौसम कैसा बना हुआ है। अभी यहाँ पर मौसम बहुत तेज़ धूप आई हुई है, 9 बजे का समय है और बहुत ही ज़्यादा धूप आई है यहाँ पर। गर्मी इतनी हुई है यहाँ कि हल्द्वानी के बराबर गर्मी हुई है यहाँ पर आजकल। पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी। और देखो गाय भी बाँधती है बाहर, देखिए यहाँ पर हेमा काट रही है भूसे में मिलाने के लिए, हरा घास काट रही है थोड़ा सा। इसको काटने के बाद तब भूसे में मिला के तब देगी गायों को। देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन, खुशी, दिव्यांशु और हर्षित। हेमा काट रही है यहाँ पर घास है, खुद ऐसा मार रही हो, आ गई ज्यादा हाई मार ला है, आप कर ले बोल। कहाँ गिरा? बुआ चलेगी, रंजना बुआ जल निकाल गिरा। देखिए बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं यहाँ पर। ये बहुत ही गर्मी हो रही है बागेश्वर में, देवाल से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। हल्द्वानी के मुताबिक गर्मी हो रही है यहाँ, देवाल से भी ज़्यादा हो रही है। ये देखो आम तोड़ने के लिए हमारे पास एक झल्ली है, ये जरा सी पुरानी झल्ली है तो इसको बांध रहे हैं। ये आनंद बांध रहा है इसको। अभी हम इससे आम तोड़ेंगे थोड़े से अचार बनाने के लिए। अभी पकने वाले आम तो नहीं हुए हैं पर अचार के लिए तोड़ेंगे थोड़ा सा। चल बुझा दो मैं। सारे बच्चे बाल्टी जा रहे हैं आम तोड़ने के लिए, मेरे साथ आ रहे हैं ये। अभी दिखाऊँगी मैं आपको, ये हमारा गोलजू गंगनाथ जी का मंदिर है। जय हो गंगनाथ जी। और यहाँ पर भी है आम का पेड़, ये इसमें लगे बहुत सारे आम। ये दो झल्ली लेके कैसे लड़ रहे हैं, ये एक कह रहा है मैं तोड़ता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं तोड़ता हूँ। तोड़ो चलो, हाँ नाना हरी ना चले मैं रखो। निकालो झल्ली से, तोड़ना पड़ता है।
ऐसे मारता है अब तोड़े हैं नाना ले सारे आम लगे पूरा पेड़ दिखाती हूँ आपको। हम दीवाल के लिए तैयार हो चुके हैं और ईजा लगा रही है यहाँ पर टीका मिश्रा जी को। हम तैयार हो चुके हैं अभी जाते हैं दीवाल के लिए। तूने भी तो जाना ही है अभी। दिन में 1:30 बजे हम देवाल पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद हमने चाय पानी पिया। थोड़ा आराम करने के बाद मुझे फिर से देवाल जाना था बैंक में। 3 बजे मैं बैंक में गई। वहां पर भी मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि बैंक बंद हो चुका था। शायद आज नेटवर्क नहीं था वहां पर। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।